नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात है सच। जब पूरी दुनिया की नजर कोरोना को लेकर बीजिंग पर बनी हुई है, तब पाकिस्तान बीजिंग से आ रही सूचनाओं से बौखलाया हुआ है। बीजिंग में मौजूद पाकिस्तानी प्रतिनिधि हम्माद अजहर एफएटीएफ के सामने उठक बैठक कर रहे हैं। खलीज टाइम्स की माने तो पाकिस्तान ने एफएटीएफ की व्हाइट लिस्ट में आने के नाम पर जो टोपियां उछाली थी, अब वह उसके काबू से बाहर हो गई है। ऐसी उम्मीद है कि अभी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे यथास्थिति रखा जा सकता है, यानी पाकिस्तान आने वाले 6 महीनों तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। यदि इस अवधि में उसने एफएटीएफ के 27 बिंदुओं पर काम नहीं किया तो उसे काली सूची में डाला जा सकता है। यानी पिछले 4 दिनों से बेमतलब के गधैया नृत्य और बकरी कुदान जैसा जो छिछोरापन इन तहमतबाजों ने दिखाया, उस पर एक झटके में पूर्ण विराम लग गया है। पर मामला यहां तक नहीं है। जो लोग यह समझते हैं कि पाकिस्तान पर यह सख्ती एफएटीएफ की तरफ से दिखाई गई है, वे अभी भी पर्दे के पीछे चली राजनीति से अनजान है। पिछले दिनों जब पाकिस्तान ने इस बात का ढिंढोरा पीटा कि वह ग्रे लिस्ट से बाहर होने जा रहा है, भारत सरकार के कान तभी खड़े हो गए थे। दरअसल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आने के लिए एफएटीएफ के 37 में से 12 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। मलेशिया, तुर्की समेत चीन का समर्थन भी उसके पास है, जबकि उसे 9 देशों के समर्थन की और आवश्यकता है। पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी उस वक्त मारी जब उसने ऐसा उद्घाटन किया कि पश्चिम देशों ने उसे समर्थन का आश्वासन दिया है। मोदी सरकार ने सबसे पहले उन्हीं देशों का पता लगाया जो पाकिस्तान के हितचिंतक बनना चाह रहे थे। अब जाकर ऐसी आशा बनी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने वाले इन देशों ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही है। दरअसल पिछले हफ्ते दावोस में जब इमरान खान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाए थे, तब ऐसे कयास लगाए गए थे कि अमेरिका एफएटीएफ में उसका बचाव कर सकता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने इसको लेकर झूठ का कीर्तिमान खड़ा किया, जिसके बाद अमेरिकी प्रशासन को स्पष्ट करना पड़ा कि एफएटीएफ में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने या नहीं रहने के उनके पूर्व विचारों में कोई बदलाव नहीं आया है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से इस तरह की खबरें आने के बाद मोदी सरकार ज्यादा सक्रिय हुई और उन देशों को मनाने में जुट गई जो पाकिस्तान के बचाव में उतरने की सोच रहे थे। खलीज टाइम्स द्वारा जारी रिपोर्ट में पाकिस्तानी अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया कि एफएटीएफ के चंगुल से बाहर आने में उनकी सबसे बड़ी बाधा भारत है। एफएटीएफ के ज्यादातर देशों पर भारत के प्रभाव और दबाव के चलते ज्यादा मुश्किलें हैं। इस मसले पर अकेला चीन भी चाहकर कुछ नहीं कर सकता है। इधर एफएटीएफ में अपनी किरकिरी से बचने के लिए पाकिस्तानी पीएम ने तहमतबाजों का ध्यान हूरों की तरफ लगा दिया है। इमरान ने कहा है कि डॉक्टर आसिम ने उनको ऐसा टीका लगाया कि अस्पताल की नर्सें उन्हें हूरे नजर आने लगी। इमरान के इस बयान ने पूरी मदरसा कौम को नई राह दिखा दी है। कल से बहुत से तहमतबाज हूरों वाला टीका ढूंढ रहे हैं। मेडिकल स्टोर पर डिमांड बढ़ गई है। हर ग्राहक स्टोर वाले से पूछ रहा है कि क्या आपके पास हूरों वाला टीका है। वैसे तो इमरान लोडे ने यही दावा किया है कि उन्हें एक ही टीका लगा था। दूसरे टीके के लिए वे डॉक्टर आसिम से आज भी उम्मीद रखते हैं। यानी एफएटीएफ से अगर बाहर नहीं आए तो हूरों वाले इस टीके के लिए आपाधापी मच सकती है, क्योंकि खाली कटोरे जंग खा जाने हैं। देश को मिलने वाली विदेशी मदद में फिर कुछ दिनों की रुकावट आ सकती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे पाकिस्तानियों की तशरीफ की पीड़ा बढ़ेगी, हूरों वाले टीके की मांग भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि इमरान खान द्वारा बताया गया पीड़ानाशक टीका ही इन्हें कुछ सुकून दे सकता है। वैसे बेहतर यही होगा कि डॉक्टर आसिम को इमरान लोडे को ऐसा टीका भी लगाना चाहिए जिससे कश्मीर राग और भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी भूलकर पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचने लगे, क्योंकि इस अंडे खान को अब दया की नहीं टीके की जरूरत है, जिसके लिए इसकी तस्वीर कुलमुला रही है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।